हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं योर केमिस्ट्री टीचर। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक रासायनिक बलगतिकी के ऑब्जेक्टिव लेकर आए। रासायनिक बलगतिकी जो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। एक एक कर हर प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि 2023 में आपके लिए जो एग्जाम होने वाले हैं बोर्ड एग्जाम, उसके लिए हम आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने वाले हैं। चलिए चलिए बच्चे, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है H2+Cl2 दोनों गैस है, तीर के निशान ऐसी है, सूर्य प्रकाश में अभिक्रिया की कोटि है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में H2+Cl2HCl में अगर रिएक्शन किया जाए तो इसका कोटि हो जाता है शून्य। प्रयोग से पता चलता, अभिक्रिया की कोटि जो होता है ना, प्रयोग से पता चलता, प्रयोग करने पर पता चलता कि उसकी कोटि कितना, उसकी रेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका कोटि जीरो होगा, आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखना होगा आपको। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन का अभिक्रिया A+B+C। देखिए अभिकारक कितने बचे, तीन, A+B+C में प्रोडक्ट की दर dA/dt बराबर, इस दर आपको दिया हुआ, रेट दिया हुआ, k की पावर। अब ये समझिए, मेन चीज समझिए इसका, कि ये जो आपका कि कह रहा है कि जो k और इसके a की पावर जो है आपका कितना है, वन, और b के पावर कितना है आपका, b के पावर 1/2, और c के पावर कितना है 1/2। देखिए 1/2 कितना हो जाएगा। अच्छा कोटि पूछ रहा, कोटि जब भी पूछे ना बच्चे, कोटि पूछे तो जो पावर होगा उसको जोड़ दीजिएगा, पावर होगा उसको जोड़ दीजिएगा। तो बोलिए आधा आधा, एक एक एक, दो, मीन्स इसका कोटि कितना हो जाएगा, दो। A+B+C की कोटि कितना हो जाएगा, दो। चलिए बच्चे हम लोग देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन देखिए 1/2, 2:1 और 1.5। तो चलिए ऑप्शन हो जाएगा, हमने बता दिए इसका कोटि एक वहां पर। चलिए एक बार फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को, फिर से देखिए। बच्चे अगर हम रेट की बात करते हैं ना, रेट की बात करते हैं, जब भी कोटि पूछे ना तो कोटि के ऊपर वाला जोड़ना, 1/2 + 1/2, तो कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए, दो हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन आपका देखते हैं अभिक्रिया FeCl2 SnCl2 और MeCl। इधर आपका एक उदाहरण, कहने का मतलब हमको आपसे कोई जरूरत ही नहीं है, हमको अभिकारक देखना है। अभिकारक में बोलिए ये कितना, दो, ये कितना है, कोटि तो है नहीं, मिस कितना आपका इसमें रेट तो दिया हुआ नहीं है, तो आपका कितना कोटि का हो जाएगा, हुआ तृतीय कोटि का। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, FeCl2 देख लो, यहाँ पर दो, ये एक, दो एक, तीन हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का रहा, ये क्वेश्चन भी अच्छे क्वेश्चन है आपका। देखिए कोटी निकालने आ जाएगा, कोटी में कोई दिक्कत नहीं, कोटी आपको आना चाहिए। NO+Cl2 NOCl अभिक्रिया के लिए गति समीकरण है, लीजिए गति समीकरण आपको दे दिया, फिर गति समीकरण दिया होगा तो कोटी आपसे पूछेगा, इस पर अभिक्रिया के लिए गति स्थिरांक का मान बांटता, ठीक है। तो देखिए के ये आपका कांस्टेंट वैल्यू NO2 to power 2 Cl2 है, तो क्या होगा हुए समझिए आगे। ऑप्शन क्या करा कि तापक्रम बढ़ाने पर, NO का सांद्रण बढ़ाने पर, Cl2 का सांद्रण बढ़ाने पर, यह उपरोक्त सभी। कह रहा है कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ है और उसका हमको बढ़ाना है गति स्थिरांक, तो तापक्रम को बढ़ा देंगे, ताप बढ़ा देंगे तो अणुओं के टक्कर की संख्या बढ़ जाएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए तापक्रम के बढ़ाने से बढ़ जाएगा, तो चौथा का ए हो जाएगा। पांचवा क्या कह रहा है, गति स्थिरांक की इकाई निर्भर करता है। ऑप्शन देखिए अभिक्रिया के वेग पर, अभिक्रिया के कोटि पर, अभिक्रिया के आणविकता पर और उपरोक्त सभी। पहला पॉइंट गति स्थिरांक, गति स्थिरांक जो है ना उसका कोटि पूछ रहा आपको, गति स्थिरांक की इकाई पूछ रहा किसके ऊपर निर्भर करेगा। तो अगर कोटि प्रथम कोटि या द्वितीय कोटि, जैसा कोटि होगा वैसा उसका इकाई होगा। तो कहने का मतलब कोटि तो जरूर होगा सर जी, अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करेगा। ऑप्शन नंबर बी गति स्थिरांक की इकाई निर्भर करता है अभिक्रिया के कोटि पर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, एक एक क्वेश्चन को देखिए। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक K1 तथा अर्ध जीवन काल T2 में समति 1/2, अर्ध जीवन काल बराबर होता 0.693 T के कांस्टेंट आपका,
बेग स्थिरांक। तो चलिए इसमें से कोई ऑप्शन जरूर होगा, देख लीजिए टी हर फाइव का के ये आपका ऊपर में आ गया, ये तो होगा नहीं। ये देखिए 0.693 बटा k1, यहाँ पर बेग स्थिरांक k1 है तो आपको नीचे में k1 ही रहना चाहिए, तो 0.693 ये आपका आंसर सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा बच्चे कि जब भी आपसे पूछेगा वेग स्थिरांक में, जब भी के और टी अर्ध जीवन काल पूछे, जब भी अर्ध जीवन काल पूछेगा तो आप याद रखिएगा 0.693 बटा के होगा, 0.693 बटा के होगा। चला जा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा, अगला गति समीकरण लीजिए, फिर से गति समीकरण दे दिया बच्चे, द मेहनत कीजिए कोटि निकालने का था, कोटि निकालने कोटि आपको पूछ रहा है यार, कोटि पूछेगा तो हम लोग बता चुके हैं कि ऊपर वाला को जोड़ देना, तो बोलो ये 3/2 जोड़े 1/2 कितना हो जाएगा, अरे फट से जोड़ो ना यार, फट से जोड़ो दम 3/2, देखिए ऑप्शन में ये आपका सही आंसर कुछ हो जाएगा बुआ डी। याद रखिएगा कि हम जोड़ने पर क्या कह रहा, कोटि आपका 3/2 और 1/2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा डी, जब भी कोटि आवे पावर को क्या कर देना जोड़ देना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन को तहलका मचा देना बच्चे, एक एक क्वेश्चन को तहलका मचा देना, बिना तहलका का होने वाला नहीं है इस वक्त, एक एक ऑब्जेक्टिव देखना कवर करना, एक एक ऑब्जेक्टिव को कवर करके रखेंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपका देखते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर क्या कह रहा आ रहे हैं, अरेनियस परिकल्पना जो आपका अरेनियस परिकल्पना जो है उसके अनुसार अभिक्रिया का वेग कब बढ़ेगा, कब अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा वे पूछ रहा ना, अरेनियस जो है अरेनियस परिकल्पना के अनुसार कह रहा है कि अभिक्रिया का वेग कब बढ़ेगा। एक चीज ये क्वेश्चन भी आपको इंपॉर्टेंट है, और इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है अरेनियस समीकरण क्या, आप ऑब्जेक्टिव दे देगा अरेनियस समीकरण निम्नलिखित में है कौन है, तो ऑप्शन राइट होगा, चलिए उस टाइप का भी क्वेश्चन आने वाला। अरेनियस परिकल्पना के अनुसार अरेनियस ने बोला कि अगर ताप बढ़ाया जाए तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा, क्योंकि अणुओं की संख्या जो आपका अभिकारक के अणु होते हैं उनके टकरों की संख्या बढ़ जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए आज का ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा बच्चे, 9 में आ गए हम लोग, एक एक क्वेश्चन को देखना, अरे आप फ्री जब मिलता है ना, जब समय आपको फ्री मिले उस समय देखिए ना, बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव एक तो नहीं छूटने वाले आपको, जब आप फ्री में बैठे हुए हैं उस समय बना लीजिए, देख लीजिए ऑब्जेक्टिव को कवर कर लीजिए, एक एक चैप्टर कम करवाने वाले हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग आ गए हुआ, ताप क्रम के बढ़ाने से अभिक्रिया की गति बढ़ती है क्योंकि, लीजिए कितना बार आपको बता रहे थे कि अभिक्रिया की गति बढ़ती है क्योंकि टकरों की संख्या बढ़ती है, तो टकरों की संख्या देखिए अभिकारक अणुओं की टक्कर की संख्या बढ़ती है, दम सही आंसर हो जाएगा ए, दम तहलका मचा दीजिए बच्चे, एक एक क्वेश्चन दम, ताप क्रम बढ़ाने से अभिक्रिया की गति बढ़ती है क्योंकि अभिकारक अणुओं के टक्कर की संख्या भी बढ़ जाती है, टक्कर की संख्या ज्यादा टकराने लगेगा बच्चे तो अभिक्रिया जल्दी हो जाएगा, अभिक्रिया जल्दी हो जाएगा, इसी तरीके से एक एक क्वेश्चन को देखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन कर अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को दर्शाता है, अभिक्रिया के वेग पर ताप के जो प्रभाव है, अभी कुछ देर पहले दो या तीन क्वेश्चन पहले हमने देखा था कि अरेनियस समीकरण में ताप बढ़ाने पर वेग बढ़ जाता था, इस कारण के ताप के प्रभाव कौन बतलाता था, तो अरेनियस समीकरण, अरेनियस समीकरण याद रखिए बच्चे, एक एक क्वेश्चन को बना देना है हम। चलिए ऑप्शन नंबर डी, एक बार फिर से बोल रहे हैं बच्चे, 2030 के एग्जाम में एक एक ऑब्जेक्टिव छोड़ना नहीं है, 35 में 35 बना के आने, 35 में 35 बना के आना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 11 क्वेश्चन, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के सक्रिय ऊर्जा का मान बहुत ज्यादा, क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िए ना, एक एक वो क्वेश्चन बन जाएगा, क्या कर रहा है, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा का मान बहुत ज्यादा है तो समानता अभिक्रिया होगा, बहुत तेज होगी, बहुत धीमी होगी, समान होगी, कोई नहीं होगी, कहने का मतलब क्वेश्चन को अगर क्लियर कर लेते हैं हम लोग कि अगर सक्रिय ऊर्जा बहुत ज्यादा तो धीमे धीमे होगा, धीरे धीरे होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्रथम क्रम मिस प्रथम कोटि के प्रतिक्रिया के लिए अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होता है, देखिएगा समझिएगा, अच्छा देखिए एक शून्य कोटि होता है, प्रथम कोटि होता है, द्वितीय कोटि, तो हमसे पूछा आप तीनों को निकाल सकते हैं, हमको आपने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से निकाला जाता है, जब अगर k का वैल्यू निकाल लीजिएगा तो उसका मात्रक कैसी रखेंगे तो हम लोग को मालूम आ जाएगा। तो प्रथम क्रम में समय इन्वर्स होता है, टाइम इन्वर्स होता है,
टाइम इनवर्स होता है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं क्योंकि संतुलन से संतुलन कैंसिल हो जाएगा फॉर्मूला में, तो समय इनवर्स ऑप्शन नंबर ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, समय इनवर्स ए। चलिए 12 का है, याद रखिएगा क्या क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का इकाई होता है समय इनवर्स, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का इकाई होता है समय इनवर्स। याद रखने चलने पड़ेगा, एक एक क्वेश्चन कवर करके रखिएगा तब तो एग्जाम में दीजिएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का कोई भी पूछ देगा वेग स्थिरांक का इकाई, तो बना देना होगा टाइम इनवर्स, समय इनवर्स। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 13 क्वेश्चन में हम लोग पहुंच गए बच्चे, एक एक क्वेश्चन देखिए ना, हर चैप्टर का क्वेश्चन डाल देना आपको। ए प्लस बी उत्पाद के लिए अभिक्रिया दर आर बराबर के और आपका रेट आपका दिया हुआ है ए और बी के, तो व्यक्त किया जाता है ठीक है, द्वारा व्यक्त किया जाता है, ये गलत लिखा हुआ, ये द्वारा होगा बच्चे, व्यक्त किया जाता है यदि बी की अधिक मात्रा लिखा है। अच्छा ये बताइए जब बी की मात्रा बढ़ जाएगा तो ए ए ही के ऊपर ना अभिक्रिया डिपेंड करेगा। अरे भाई ऐसे समझो यार, तुमने ए, तुमने चाय बना रहा ठीक है, तुम चाय बना रहे हो दबाचा समझ लीजिए, चाय बना रहा है तुम एक चीज समझो, और तुमने चाय बनाने के लिए हम एक कप चाय के लिए हमको मालूम है, ध्यान दीजिएगा एक कप चाय के लिए हमें 50 मिलीलीटर दूध की जरूरत पड़ता है, और आपके पास और इसके इसमें चाय बनाने में आपको 10 ग्राम चीनी की जरूरत पड़ता है, और दूध आपके पास 100 मिलीलीटर है, दूध आपको 100 मिलीलीटर है और चीनी जो आपका है पूरे 10 ग्राम है, तो बोलिए ना कितना कप बनेगा, ये एक ही कप ना बनेगा, क्यों, क्योंकि चीनी की क्वांटिटी कम है, तो ज्यादा से हमको मतलब अभिक्रिया किसके ऊपर निर्भर करेगा जो पहले समाप्त हो जाएगा, तो आपका ए का कोटि कितना हो जाएगा वो 1, तो ऑप्शन देखा जाए क्या कहता है, ऑप्शन क्या कह रहा है देखा जाए, ऑप्शन को समझ आ जाए, ऑप्शन आ जाए 2 1 0 अनिश्चित, देखो दू तो होगा नहीं क्योंकि बी की मात्रा बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे के ऊपर, तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए एक एक क्वेश्चन कवर कीजिए, अगला अभिक्रिया के दर के बारे में कौन सा कथन सत्य असत्य, ये देखिए यही डिस्टर्ब करेगा आपको एग्जाम में, आपको लगेगा क्या चीज बोला सत्य की असत्य, वही तो क्लियर करना है बच्चे। तो चलिए अभिक्रिया के दर के बारे में कौन सा कथन असत है, कौन सी बात गलत है, तो ऑप्शन दे तब तो इसकी प्रयोगात्मक विधि से इस प्रयोग विधि द्वारा गणना करते हैं, दर नियम संबंध सांद्रता सांद्रता की शक्तियों का योग होता है। देखिए क्या कह रहा है, अभिक्रिया की दर विस्फोटी दर आपको दर दिया रेट, अभिक्रिया की दर भिन्नात्मक नहीं हो सकता, अभिक्रिया दर और स्टोइकोमेट्रिक में कोई संबंध होना आवश्यक नहीं, असत बात बोल रहा है, असत्य बात बोल रहा है, कहने का मतलब कौन सी बात जो आपका है वह गलत होगा, तो अभिक्रिया की दर कभी भिन्नात्मक नहीं हो सकता, भिन्न नहीं हो सकता सर, तो भिन्नात्मक ऑप्शन पर सी। चल अगला क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं, 15 क्वेश्चन में कह रहा 15 क्वेश्चन आपका क्या, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए लीजिए अभी 10 पढ़ाए थे ना 0.693 बता में के लीजिए, ये देख ये नहीं देखना 6 और 3 ऑप्शन देखना 6 9 3, तो ऑप्शन नंबर कौन सी बी 6 9 3 बता के, याद रखिएगा और याद रखना होगा आपको कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्ध जीवन काल जो होता है 0.693 बता के होता है। अगला क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे, चलिए 16 क्वेश्चन की ओर पढ़ना है आपको, देखिएगा अभिक्रिया 2a+b आपका बन रहा 3c प्रोडक्ट है 3c प्लस डी के लिए, निम्न में से कौन सा अभिक्रिया को व्यक्त नहीं कर सकता है, तो चलिए देखिएगा। अब देखिए एक चीज आपको हम बताना चाहते हैं, आपका देखना होगा आप समझना होगा अच्छा से कि अभिकारक जो होते बच्चे, अभिकारक ध्यान दीजिएगा, एक होता अभिकारक और एक आपका होता है उत्पाद, ध्यान दीजिएगा अभिकारक होता है और उत्पाद होता है, हम जानते हैं कि जब अभिक्रिया होगा तो अभिकारक में कमी होगा और उत्पाद में वृद्धि होगा, ऐसा क्यों, चलिए एक छोटा एग्जांपल से आपको समझा दें, जब घर में हम लोग खाना बनाते हैं तो आटा से जब रोटी बनाते हैं ना तो आटा घटते जाता है रोटी बढ़ते जाता, तो आटा अभिकारक था रोटी उत्पाद था, तो अभिकारक के लिए माइनस का साइन यूज करना होगा और उत्पाद के लिए प्लस, मींस डी में वृद्धि होगा सी में वृद्धि होगा और बी में कमी होगा ए में कमी होगा, तो देखा जाए ए में कमी सही है ये आपका सही है ठीक है, नहीं करता वो खोजना सी सी में प्लस होगा सही है। अब देखिए एक चीज और समझिए, जो गुणा में होता है वो भागा में जाता है भागा में, ठीक है ये भी सही है, ये भी सही है, दो भागा में हो गया, कहने का मतलब अगर इसका हम निकालना चाहें क्या लिखेंगे डी
और ए और बटा में हम लगा देंगे डी टी और गुणा में दो है तो एक बटा दो, लेकिन अभी कारक है इसके लिए क्या चीज माइनस। इसी तरह से बच्चे बी के लिए देखिए ना, बी के लिए क्या लिख सकते हैं माइनस डी बी और बटा में डी टी, गुणा में कुछ तो है ही नहीं। चलिए सी के लिए क्या लिख सकते हैं वन बाई थ्री, क्या चीज में प्लस में, क्योंकि इसमें वृद्धि होती है, डी और सी बटा में डी टी। और बताइए डी में क्या लिख सकते हैं डी और डी रेट में चलेगा तो, और डी टी क्या चीज में प्लस में, देखिए डी को क्या चीज में दिया माइनस, इन्हें उत्पाद उत्पाद में क्या होगा वृद्धि चला जाए, तो आपका ये व्यक्त नहीं कर पा, ये ऑप्शन नंबर डी। एक एक क्वेश्चन बनाइए मजा आ जाएगा, कोई इसमें कुछ है नहीं, एक एक क्वेश्चन को डील करते चलना, सब हो जाएगा कवर कर लेना हम लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की 17 क्वेश्चन का, यदि किसी अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है, लीजिए अभी आपको इस पर समझना होगा कि इसमें जो है अभी पहले एक क्वेश्चन ऐसा करा चुके थे जिसमें वेग स्थिरांक का इकाई पूछ रहा था, लेकिन अभी वेग स्थिरांक दिया हुआ है तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स शून्य कोटि की अभिक्रिया की होती है और समय इनवर्स प्रथम कोटि की अभिक्रिया की होती है। तो चलिए शून्य कोटि की अभिक्रिया 17 का ए, एक एक क्वेश्चन करते चलेंगे। 18 क्या कहा था, 18 कह रहा किसी अभिक्रिया के वेग निम्नलिखित प्रकार से है तो उसकी कोटि होगा, लो कोटि, अरे यार कोटि आ गया, कोटि आ गया, कोटि का मतलब पावर को जोड़ देना, बोलना दो इसका पावर है तो दो है तीन, चला जा कोटि आ गया तो जोड़ देना है पावर को, चला जा। इस क्वेश्चन में देखा जाए किसी अभिक्रिया के वेग निम्नलिखित प्रकार में है, प्रकार से व्यक्त किया गया, ठीक है तो दो है तीन, तो तीन आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो देख रहे हैं बनते जा रहा क्वेश्चन एक एक करके, चला जाए। 19 कुछ क्वेश्चन आप भी बनाइएगा, एक आध क्वेश्चन को हमने छोड़ेंगे अगले वीडियो से, क्या करेंगे आपके लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लाएंगे, जो जितना वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं, जो जिसका वीडियो दे चुके हैं उसी में से पीछे से एक क्वेश्चन को लाएंगे और उसके लिए आपको आंसर देना होगा, कमेंट करना होगा, अच्छा रहेगा, उससे आपका पीछे का भी रिविजन होते रहेगा। अभिक्रिया की कोटि के लिए कौन सा कथन ऐसा था, अब देखिए एक बार हमने ऐसा क्वेश्चन डील किया था, फिर से क्वेश्चन आ गया कि अभिक्रिया की कोटि जो होगा ना उसके लिए कौन सी बात जो होगा वे क्या है कथन असतत, कौन सी कथन असतत, कोटि पढ़े होंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी कथन असतत है। तो चला जा अभिक्रिया की कोटि सिर्फ प्रयोग से ही ज्ञात किया जा सकता, सही है कोटि जब तक रेट नहीं हो कहां से, तो कोटि अभिक्रिया की मोलों की संख्या से प्रभावित नहीं हो तो सही बात है, कोटि हमेशा पूर्ण संख्या होती है, गलत बात है, पूर्ण संख्या नहीं होता, अभी तो कोई बटा में भी आ रहा था दशमलव में भी आ रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, देखिए 20 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यदि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 60% पूर्ण होने में 60 मिनट का लगता है, तो देखिए क्वेश्चन बनाइए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए जो फॉर्मूला उस फॉर्मूला पर वैल्यू रखिए, वैल्यू रखने के बाद एक एक चीज बन जाए, के का वैल्यू आपका लॉग 4 का वैल्यू दे रही है, अगर नहीं बनता है पूछिए हमसे, इस पर क्वेश्चन करा लेंगे, दो तीन को न्यूमेरिकल लाते हैं, प्रथम कोटि शून्य कोटि का न्यूमेरिकल ला के देंगे आपको, लिए ऐसे इसका आंसर 45 होगा, निकालने पर आपको 45 आएगा, तो लॉग 4 का वैल्यू 0.60 और लॉग 5 का वैल्यू 6 मोड़ रखेंगे। चलिए 45 मिनट नहीं आ रहा तो निकाल के दिखा देंगे आपको। अभिक्रिया 2H2O और H2O का वेग, ये दीजिए वेग, ये पावर नहीं है, नहीं इसका मतलब हुआ एक, अरे कुछ नहीं है तो एक होगा, कुछ नहीं है तो एक होगा ना, तो बोलो कितना कोटि, अरे भाई बोलो कितना, एक, तो प्रथम कोटि, एक का मतलब प्रथम कोटि के अभिक्रिया है, ये प्रथम कोटि का अभिक्रिया हो गया। चला जाए अगला देखा जाए, लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ गए, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के संकीर्ण ऊर्जा का मान बहुत ज्यादा, अगर हम अभी बात फिर से इसको बताना चाहते हैं, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में संकीर्ण ऊर्जा बहुत ज्यादा है तो समानता अभिक्रिया धीमी होती है, रिपीट कर दिए हम लोग क्वेश्चन एक बार पढ़ चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अधिकांश प्रतिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक निम्नलिखित में किसके बीच होता है, कहने का मतलब अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया, बच्चे को ध्यान दीजिए थोड़ा सा समझ लीजिए, या अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया है तो उसका जो ताप गुणांक होगा, जो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट जो होगा, ताप गुणांक होगा, वो लगभग किसके किसके बीच में होना चाहिए, तो देखिए याद रखिएगा ताप गुणांक जो होता है दो और तीन के बीच में होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी।
एक एक क्वेश्चन को कीजिए ना एक बार दो बार देख लीजिए कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आपको याद रखना होगा बच्चे एक एक क्वेश्चन करेंगे ना तब ना हम लोग एग्जाम में छोड़ने वाले नहीं है और एग्जाम तो अच्छा जाएगा जब हम लोग मेहनत करेंगे तो एग्जाम अच्छा जाएगा। बच्चे हमेशा याद रखिएगा बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से गुजरना पड़ता मेहनत कीजिए ना। अरे अभी हमारा बुरा दिन चल रहा है ना अच्छा दिन आएगा टेंशन मत लीजिए। अरे जब एग्जाम दीजिएगा तो अच्छा दिन आने वाला है टेंशन मत लीजिए। अभी बेहतरीन दिनों के लिए अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से गुजरना पड़ता बच्चे ये चलते मेहनत कीजिए एक ऑब्जेक्टिव को। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।